तुम हमसे अपना दुख तकलीफ क्या छुपाई? ये घर में इतना तकलीफ क्या छुपाई? शादी होने का मतलब ये थोड़ा ही ना होता है कि हम तुम लोग सबके लिए पराया हो गए। हम पैदा तो यही हुए हैं ना, बड़ा भी यही हुए। अलग बात है क्या दूसर घर के बहू बन गए। इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि घर के प्रति हमारा जो जिम्मेदारी है कर्तव्य सब हम भुला जाए। नहीं ना ना ये ना वो ना नहीं ना। हम मानते हम आपके कोख से जन्म नहीं लिए, आप ही हमारी माँ है और हम ही आपकी बेटी है। मामा जी अरे वो सुनो, बात रोना बंद करो। अब माँ का चैन नहीं बेचेंगे, हम कुछ उपाय करते, कुछ इंतजाम करते पैसा का। अरे बिटिया क्या करोगी तुम? हाय नाना, तुमने काहे सुन ली हमारी दुख भरी कहानी? नैना जी, हेलो। नैना जी पहुंच गए आप? हम तो कब से आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। एकदम छू, अगर इतना हमारे फोन का इंतजार कर रहे थे तो आप ही एक फोन कर लेते। इहो नहीं हमसे पूछे कि हम ठीक से पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं और यहाँ का क्या हाल समाचार है। अरे हम सोचे कि आप बहुत दिनों के बाद अपनी ससुराल से हमारे ससुराल गई है। तुम माँ बाबूजी से बातें कर रही हो, बस इसलिए हम आपको डिस्टर्ब नहीं किए। लेकिन हमें ये पता था कि जैसे ही आपको हमारी याद आएगी आप हमें कॉल जरूर करेंगे। बात बनाना तो कोई आपसे सीखे, चित भी आपकी और पेट भी आपकी। अरे बाबा गलती हो गई। अच्छा ये बताइए घर पे सब लोग कैसे हैं? बाबूजी की तबीयत कैसी है? अच्छा आपका तो ना अभी खूब स्वागत सत्कार हो रहा होगा, खूब पकवान सकवान बन रहे होंगे। हाँ सब ठीक ठाक है, लेकिन पुनीत बाबू। लेकिन लेकिन क्या नैना जी? नैना आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? सब ठीक तो है ना? बाबूजी की तबीयत को तो कुछ नहीं हुआ ना? आप हमको बताइए ना, हम हैं ना यहाँ पर। जानते हैं पुनीत बाबू, आज हम यहाँ आते माँ और मामा जी को बात करते सुने कि यहाँ कितना परेशानी है। आपने तो हमको डरा ही दिया था नैना जी, अब आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की आदत को छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अभी इंतजाम कर देते हैं। हम चाहते थे कि बाबूजी के अकाउंट में अगर आप कुछ आज और अभी पैसा डलवा देते तब थोड़ा परेशानी तो जरूरी दूर हो जाता। काहे कि हम माँ को बहुत भरोसा दिलाए हैं। ठीक है आप एक काम करिए, आप अपने बाबूजी का अकाउंट नंबर हमें तुरंत SMS कर दीजिए, हम पैसे ट्रांसफर करवा देते। ठीक है पुनीत बाबू, हम सारा डिटेल आपको अभी SMS कर देते।
छाती सूप नखा बनने की, लेकिन बाबूजी ने डांट दिया। कहने लगे, अगर तू पारट करेगी ना तो तुम्हार शादी नहीं होगी। तो शादी होकर का हो गया, बर्बादी हो गई हमरी तो। अरे दीदी, तू तो अपने ही रोना का रट लगाए रहती है। घर में जो सूप नखा है उसका नाक कैसे काटेगी ये सोच। अरे वो तो हम सोच चुके हैं भैया, तुम बस देखते जाना। ऐसा नाचना चाहेंगे, ऐसा नाचना चाहेंगे कि जैसा हम कहेंगे वो बिल्कुल वैसा का वैसा करेंगे। माँ, हाँ, आप अपना चेहरा पर से चिंता हटा लीजिए। काहे? हम पुनीत बाबू से बात कर लिए। वो कहे हैं कि बाबूजी के अकाउंट में शाम तक पैसा आ जाएगा। अच्छा, अरे दादा, तू कितनी अच्छी है लाडो, कितनी अच्छी, हमरे दुख सुख का कितना ख्याल रखती है। पता नहीं लोग बेटी को पराई क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं पराई। दीदिया, पैसा तो सांझ के आएगा ना। लेकिन अभी का काम कैसे चलेगा? एक काम करते हैं दीदी, हम बाहर से कर्जा ले लेते हैं। चल, तुम रोना मत, हम इंतजाम कर लेंगे। आ भानु। जा मेरी लाडो, थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले। जा, जा बिटिया, जा। देखो तो घर में कितनी शांति है, जब से बला गई है बस समझो कि शांति ही शांति है। चुप करिए, रखिए चाय वाय, इससे पीने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ठिठोली करने से काम नहीं चलने वाला है। यही हाल रहा ना, घर जो है नीलाम हो जाएगा, उसका बैठ के आराम से ठंडन गोपाल करते रहिए। तुला जी, पहले मत पूछिए, साफ साफ कहिए ना बात का है। उपा जी, आपके कहने का मतलब का है? अजी, आप कहीं से कोनो प्रवचन सुन के आ रहे हैं क्या? प्रवचन नहीं, वचन सुनकर आ रहे हैं, वचन, और वो भी लाइव, लाइव फोन टॉक। समझ में आया? ऊपर से नीत बाबू अब नैना के घर वालों को भी खर्चा दे रहे हैं। कहा? ये कहा कह रहे हैं आप? एकदम सही कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं। आपको कैसे मालूम? इसीलिए तो हम हमेशा से कहते हैं कि अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, लेकिन नहीं, आप लोगों के कान पे तो जू तक नहीं रेंगती है। हमेशा इसीलिए कहते हैं, अभी अपने कान से सुन के चले आ रहे। तो कहा पुनीत बाबू महारानी का खर्चा भी उठाएंगे? हम तो पहले से कह रहे थे कि वो लड़की ने अपने रूप जाल में फंसाया पुनीत बाबू को, पर हम भी सुनता कौन है, अब झेलिए उस विस्कन्या को। हो गया आपका है? बस चुप हो जाइए। अभी देखिए, ऐसा है कि पुनीत बाबू तो हो गए अपने आपे से बाहर, उनका अब गाने बजाने में बिल्कुल दिल नहीं लगता है। ना जाने कौन से मोह माया जाल में फंस चुके हैं। अब अगर उनको कोई समझा सकता तो वो है आप, वरना 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 कहा दूल्हा जी? अब वरना इस घर का 3-13 होने में ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। पाजी एकदम सही कह रहे हैं। माजी,
ठीक है, हम बात करते हैं पुनीत से। ऐसा कैसे चलेगा? जल्दी कीजिए, समय नहीं है। अरे भौजी का तो मुंह देखने लायक हो गया था, आप इतना टेंशन कैसे दे दिए उनको? ऐसा है कि हमारा काम है टेंशन देना। कहे कि जब हम टेंशन देते हैं ना तभी तो हमको पेंशन मिलती। अच्छा, तो अब आगे की सोचिए कि क्या करना है। अब सोच लिया। देखिए, आसमान में हमने जो है कनकौवा उड़ा दिया है, पतंग। अभी उसको कन्नी से काटना है कि हत्थे से, ये हम डिसाइड करेंगे। कहने का मतलब है कि भौजी के दिमाग में चिंगार हमने डाल दिया है। चिंगारी? ऐसा ना हो कि चिंगारी बुझ जाए। चिंगारी को कैसे भड़काना है, उसमें कैसे आग लगाना है, अब ये सब आपको सोचना पड़ेगा। ना, बिल्कुल मत कीजिए। अब खाली हमको इतना करना है कि इस घर को इस तरह से फूंकना है कि हवन करने की जरूरत ना पड़े। तो सुनिए, अगर आपके दिमाग में कोई उपाय नहीं है ना, तो हमसे भी पूछ लीजिए। हाँ, हम एक्चुअली आपसे पूछना ही चाह रहे थे। देखिए, इससे पहले की जो चिंगारी हमने लगाई है उसके ऊपर कोई कोड़ रख दे या फिर उसके ऊपर कोई पानी डालकर उसको बुझा दे, आप अपना जो धरा वाला दिमाग जो है ना, इसमें से कोई आइडिया निकाल के फेंकिए ना, तभी तो मजा आएगा। तो हम आपको एक संकेत की जुबान में बताते हैं। सुनिए महाराज, बात ये है, इधर पुनीत और नैना के बीच में ही पड़ जाए और इधर माँ बेटे के रिश्ते में भी छेद हो जाए। परी होगा कैसे? जरा धीरज रखिए महाराज, बात ये है कि जब तक पुनीत नैना के घर पहुँचे पैसा लेकर के, उसके पहले आप पहुँच जाइए उसके घर। क्या क्या बुरबक वाली बातें कर? आपका कहने का मतलब है कि आप बैल और मुझे मार? अरे हमको काहे लव लुहान का रन पे तुली हो? आप कैसी बातें करते हैं? हम आपको का लहू लुहान होने देंगे? इतना आप ऐसे कैसे सोच लिए? आपको तकलीफ होगी तो हमको का अच्छा लगेगा? जरा हमारी बात गौर से सुनिए। बात आपके दिमाग में कि नहीं? चुप करिए, हम अपना पैसा काहे को दें उनको जाके? ओफो, अरे कैसी बात कर रहे हैं? आपको कुछ भेजा में नहीं समझ आया का? हम आपको क्या पूरा खजाना लुटाने के लिए कह रहे हैं? अरे वो पैसा सब वापस आपको ही मिलने वाला है, मूलधन के साथ साथ इंटरेस्ट भी। अब बताइए, ये धंधा करने में का बुराई है? हाँ, का बुराई है, बोलिए सही कहे कि नहीं? प्लानिंग तो बड़ी नीक की है, पर हम सोच रहे हैं कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए ससुरा। अरे साइड इफेक्ट नहीं, उल्टा फायदा ही फायदा है। देखिए, इधर नैना के मन में पुनीत के प्रति नफरत पैदा हो जाएगा और हम दोनों का है कि नैना का विश्वास जीत लेंगे। ऐसे भी तो पीठ पीछे सब कुछ होता ही आ रहा है और हम लोग धीरे धीरे अपना काम भी करते रहेंगे। तो बताइए, हम सही बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ, बोल रहे हैं ना? मुंह खोलिए, ले लीजिए मेरी मुन्नी, मेरी शीला। अगर तुम कहीं राजनीति में होती ना, तो ममता और रबड़ी दोनों गए थे तेल लगाने के लिए,
और इस देश का भविष्य तो पता नहीं कहाँ का कहाँ होता है। सुनिए सुनिए हमारी बात ध्यान से सुनिए, हम जो है कुछ चक्का चलाकर यहाँ से निकलते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पीछे में ये सब जो यहाँ पे जो है चक्कर चल रहा है जो सामान लीजिएगा चले हम अजी बड़े अच्छे से जाइए, हम ही यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे, तनी को कुछ फिकर करने की जरूरत नहीं है, क्या समझे? तो हम चलते हैं। Take care. ओहो, इंग्लिश भी आ गया। चलो चल रहे हैं हम। ठीक है, आप भी ध्यान रखिएगा अपना। गिरजा, गिरजा। अरे भाई, गिरजा कहाँ है? जी वो आ गई। गिरजा, दूल्हा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ हैं? कहीं गए हैं क्या? भैया, फोन आया था, वो चले गए। चले गए? अभी तो 2 घंटा पहले हमारे साथ यहाँ बैठे थे। हाँ। 2 घंटा पहले यहाँ थे और फिर चले गए। तुम कहना कहाँ चाह रही हो तो बता। ओ भैया, बात यह है कि जगनपुर से एक जरूरी फोन आया था कि उनके चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया, इस वास्ते वो यहाँ से चले गए। एक्सीडेंट हो गया? कमाल करते हैं दूल्हा जी, उनके चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया और हमको बताया नहीं, चले गए बगैर बताए, ये अच्छी बात तो नहीं है। हद करती हैं बाबूनी जी, कम से कम हमें तो कहना चाहिए था ना। वो काहे भौजी कि हमको वो बोल के गए थे कि हमरा जाने के बाद घर वाले को सब बता देना, लेकिन हम ये सोच करके चुप हो गए कि घर वाले खामखा परेशान होंगे। अरे तो परिवार होता का है भाई, अगर दुल्हा जी हमको बता कर गए होते तो हम उनसे पूछते ना कि कोनो पैसा कौड़ी का जरूरत है कि नहीं है। ऐसे चले गए हो? भैया, पैसा कौड़ी का कोनो जरूरत नहीं था। ठीक है ठीक है, ये बताओ चोट वोट तो ज्यादा नहीं लगा है ना? भैया, ये बात हमको ज्यादा नहीं पता चला। दया फोन लगा, जरा हालचाल विस्तार से पूछो, लगाओ लगाओ जल्दी करो।